أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم पेरिस कैसे हो सब उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जूसी मैक्रोनी की सबसे आसान और 10 मिनट के अंदर तैयार होने वाली रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जो नॉन स्टिक कढ़ाई होती उसमें आप लोग कोई भी पैन यूज़ कर सकते हो, उसमें ज़ीरा डाला, उसे 2 मिनट तक भुना, फिर चिकन डाला, चिकन को इतना भुना कि उसका रंग बिल्कुल वाइट हो जाए। उसके भुनने के बाद फिर मैंने लहसुन अदरक डाला, लहसुन अदरक को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे फिर मैं टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला 1-1 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ। फिर इनको मैं इतना अच्छी तरह मिक्स करूँगी कि मतलब मसाला बिल्कुल गोश्त पर लग जाए। और आप जितना मिक्स करेंगे चिकन मतलब ऐसा है कि 2 मिनट में भी पक जाता है, फिर ये भी छोटे छोटे क्यूब्स तो जल्दी पक जाता है चिकन। तो यहाँ पे मैं ऑयल से थोड़ा उनका स्पाइस चेक करी थी, स्पाइस ज़्यादा नहीं कम तो नहीं, तो वो बिल्कुल ठीक था, चिकन हमारा पक चुका था। यहाँ पे मैंने बारबेक्यू सॉस डाला, आप लोग कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं, सॉस ना हो तो कुछ भी ना डाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के उससे ज़्यादा डालू टेस्ट अच्छा आ जाता है। बारबेक्यू सॉस के बाद फिर मैंने यहाँ पे चिली सॉस, सोया सॉस एंड सिरका 1-1 टीस्पून के बराबर डाला और इनको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गाजर काटी हुई थी छोटे छोटे क्यूब्स में, और शिमला मिर्च काटी थी, और सबज प्याज मैंने नहीं डाला क्योंकि वो मैं लास्ट में डालूँगी। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और गाजर डालकर अच्छी तरह से इन्हें मिक्स किया, भुना ताकि ये थोड़ा पक जाए, क्योंकि गाजर थोड़ा सा सख्त होता है, फिर मुँह में जब मतलब खाते हैं मुँह में उसका टेस्ट अजीब सा आता है। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से भुना ताकि ये पक जाए। उसके बाद फिर मैंने नमक और क्या नाम है वो दूसरा सॉल्ट, चाइनीज़ साल्ट, सॉरी मैं भूल गई थी, वो डाला। वो डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स किया। जब मुझे पता चला कि गोश्त और सब चीज़ें पक गए थे, लास्ट में फिर मैंने इसमें सब्ज़ प्याज डाला। सब्ज़ प्याज लास्ट में डालने का वजह ये है कि सब्ज़ प्याज से मैक्रोनी हो स्पेगेटी हो उसकी मतलब टेस्ट शक्ल बहुत अच्छी तरह से आती है। तो इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, ये पक गए थे फिर। और यहाँ पर मैंने 1 पैकेट मैक्रोनी उबॉयल कर रखी हुई थी पहले से ही, वो मैंने सॉस पैन में डाले। ऊपर से मैंने टोमेटो केचप डाला था, यहाँ पर प्याले में थोड़ी सी चिली वाली केचप पड़ी थी, थोड़ी स्पाइसी मुझे अच्छी लगती है, बनस्पत थोड़ा मीठा सा केचप डालने से ये होता मतलब मैक्रोनी ना थोड़ी क्रीमी सी बनती, क्रीमी की तरह लगती है, तो केचप इसीलिए मैंने डाला। यहाँ दोनों केचप डालते कर मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि सब्ज़ी मैक्रोनी ये सब आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। वैसे आपस की बात है, मैक्रोनी को मिक्स करना ज़्यादा मुश्किल नहीं, वो मतलब जल्दी से मिक्स हो जाती है। ये जो स्पेगेटी है, स्पेगेटी बहुत मुश्किल से मिक्स होती है, मतलब नहीं टूटने का भी ख़तरा होता है और मिक्स भी जल्दी नहीं होती, मुश्किल से मिक्स होती है। तो मज़े में स्पेगेटी ज़्यादा है मैक्रोनी नहीं, मगर मिक्स करने में फिर मैक्रोनी जल्दी मिक्स होती है, स्पेगेटी जल्दी मिक्स नहीं होती। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मुझे पता नहीं यहाँ पे मेरी वीडियो क्यों रुक रुक के आ रही है, आई डोंट नो वाई, पता नहीं मैंने स्लो की थी या स्पीड बढ़ाई थी, कुछ भी अंदाज़ा मुझे यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फुल मतलब मिक्स की थी। और हाँ, आप लोग स्टार्ट में देखोगे कि आप लोग यही सोचेंगे कि इसने ऑयल कुछ ज़्यादा डाला है, ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थे, मैंने 2 टीस्पून के बराबर ऑयल लिए थे। जो मेरा नॉनस्टिक का पैन था उसका थोड़ा बीच का हिस्सा था वो उभरा हुआ निकला हुआ था, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैंने ऑयल ज़्यादा डाला था, ऑयल बिल्कुल ज़्यादा नहीं था, बराबर सा था। और थोड़ा सा अगर ऑयल ज़्यादा भी हो तो उसे मैक्रोनी और स्पेगेटी वगैरह की इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ी ऑयली सी होती है, जो सूखी सूखी सी होती है वो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अल्लाह हाफिज़।